नमस्कार, MMC न्यूज में आपका स्वागत है। शहीद की शहादत का सम्मान करना हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है, चाहे वो आम हो या खास। ऐसा ही कुछ आज जनपद के मध्य ब्लॉक के एक निजी स्कूल में देखने को मिला, जहाँ BJP के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे टाइटल के मुख्य अतिथि थे। इस दौरान ठाकरे ने देश की सीमाओं पर आतंकियों से लड़ने और देश के लिए शहीद होने का मंचन किया। इस मंचन में सैनिकों के द्वारा जब शहीद सैनिक का पार्थिव शरीर परिजनों के बीच लाया जाता है, तो इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अपने आप को और बच्चों द्वारा मंच पर मंचन कर रहे थे, तब मंच पर पहुंचकर शहीद को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि देश की सीमाओं पर शहीद वीर सैनिक के प्रति श्रद्धा भाव से बच्चों में प्रेरणा देने के लिए विरोचित अभिनय का यहां उदाहरण पेश किया गया। इस मंचन में एक वीर सैनिक द्वारा दसियों आतंकियों को मार गिराया गया, ये भारत के सैनिकों की वीरता को चरितार्थ करता है। वहीं कल गाजीपुर में आए सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा, हम नरेश उत्तम के सफाया के बयान से सहमत हैं कि उनका बयान सटीक है, क्योंकि बसपा जैसे दल से उनके दल में कोई क्रियाकर्म बाकी नहीं था। BSP से हाथ मिलाकर सपा का आधा सफाया तो पहले ही हो गया है। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ने और क्या बोला, आइए सुनते हैं। भारत की सीमा पर शहीद हुए वीर सैनिक के प्रति श्रद्धा भाव से बच्चों में प्रेरणा देने के लिए इसे एक विरोचित अभिनय का यहाँ उदाहरण प्रस्तुत किया गया। और उस अभिनय में उस एक शहीद होने से पूर्व लगभग दसियों आतंकवादियों को खुद मार गिराया, यह दृश्य भी रेखांकित किया गया, चित्रांकित किया गया। ये भारत के सैनिकों की वीरता को चरितार्थ करता है और उसके माध्यम से हमारे बच्चों की वर्तमान और भावी पीढ़ी में प्रेरणा बढ़ता है, और इसी को ध्यान में रख करके यहाँ ये दृश्य हुआ। और भारत की सेना जिस तरह सीमाओं पर बलिदान दे रही है और आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर रही है, कम से कम हानि पर अधिक से अधिक विरोधियों को नेस्तनाबूद करना, मोदी सरकार इसी रणनीति तो इसी योजना को कर रही है और सफल, और हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। हम नरेश उत्तम इस बात से सहमत हैं कि सफाया के बारे में उनका बयान काफ़ी सटीक है, क्योंकि बसपा जैसी पार्टी से जिससे उनके दल में कोई कर्म क्रिया बाकी नहीं था, उससे गठबंधन के हाथ बढ़ा के समाजवादी पार्टी का आधा सफाया तो अपने आप उत्तर प्रदेश में हो गया, और आधी सीटों पर वो लड़ेंगे, उसका शेष सफाया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अति दलित अति पिछड़ों को जोड़ करके कर देंगे। वो ज़्यादा सपने न देखें, भाजपा 73 से बढ़ के सीटें जीती। सभी गरीबों का ध्यान रखते हुए उज्ज्वला हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय की योजना हो, सौभाग्य बिजली की योजना हो, बुनकरों की योजना हो, इन सब का लाभ सबसे अधिक इन्हीं गरीबों को मिल रहा है, जिनको क्यों वोट बटोरे गए सपा बसपा द्वारा और ठगा गया। भाजपा सच्चे अर्थों में उनकी सेवा कर रही है और वो सेवा हमारी रात्रि चौपाल हमारे अभियानों से चरितार्थ हो रही है। इस नाते उनको हमारे कार्यक्रमों से घबराहट है, और इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए अपने गृह जनपद में मैं पहली बार ये बोल रहा हूँ कि इस कार्यक्रम को यदि जनता का लगाव आकर्षण इतना बढ़ा है कि हम जरूरत पड़ेगी जिस कार्यक्रम की श्रृंखला को और आगे बढ़ाएंगे। सपा जो गुंडागर्दी अपराध की जननी है, उसको यह सवाल उठाने का हक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जमाने में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, संगठित अपराध पर नियंत्रण है, अपराध को राजनीतिक संरक्षण पूरी तरह बंद है, कानून व्यवस्था और दुरुस्त करने के प्रयास में लगे हैं।